गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये मॉर्निंग। हमारा तीसरा दिन है और सारे उठ गए हैं और सुबह सुबह 9 बजे हम लोग हमें फिर। उठाया गया है जबरदस्ती। हाँ, तू तो नीचे बैठी थी ना, मेरे पैर टूट गए। हाय रब्बा है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पहाड़ पहाड़ी के नीचे घूमने के लिए। चला जो तुम्हारी, चलो दिखा, फिर हटा टोपी, हटा और इधर पीछे मुड़ के। फॉलो मी। यस ओके। हाँ, खुद तो लड़खड़ा रही है। पौधे हाथ नहीं लगाने यार। क्या निकल गया वो बिच्छू? बूटी छू लिया तूने? अबे यार, ये नहीं छूना था, इसी को तो मना किया था मैंने पहले। दिखा क्या हुआ, दिखा कहाँ, दिखा दिखा। रुक जा, पकड़ इसको यार, रुक जा। ये खुजली करती है, रुक जा रुक जा। सतेंद्र के ऐसे भी ना कांटा लग गया एक पौधे से। और कौन सा पौधा ये दिखा? हाँ, दो, कौन सा है? ये बिच्छू बूटी। इसको टच नहीं करना होता बिल्कुल भी। असल में मतलब कि मुद्दे की बात ये है कि जंगल में आप जा रहे हो ना, तो कोई भी पौधे को हाथ नहीं लगाना, चलते रहना है। और ये ऐसा कि खुजलाहट इतनी करती है ना कि बुखार तक लगा देती है, 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो हमने इसका ध्यान रखना है, ठीक है? चलो फिर, कुछ नहीं होगा। मुझे दर्द, काट होता है, पर अब काट ढूंढे कहाँ से। दोस्तों, ये एरिया इतना साफ है ना, और जंगल है यहाँ पे, लोग कम आए हैं इसीलिए साफ है। तो जहाँ पे इंसान एक बार घुस जाते हैं ना, पूरा प्लास्टिक है, बोतल है, सब गिर के जाते हैं। यही मैंने पहले एक वीडियो में दिखाई थी कसौली में, वहाँ पे मतलब ऊपर लोग पिकनिक करने आते हो, इतना गंद फेंक के जाते हैं। ये एरिया साफ है। तो अगर अभी भी मैसेज दे रहा हूँ मैं कि अगर पहाड़ों पर आते हो, जो भी सामान यूज़ कर रहे हो ना, यूज़ करके साथ में वापस ले जाओ, मत छोड़ो। यहाँ पे नेचर ही है बस, और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जितना बचा सकते हो बचा लो, जितना लंबा खींच सकते हो। नहीं तो आगे तो सबको ही पता है, ना पानी बचेगा ना पेड़। और ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही जल रहा है बेचारी सतिंदर, जले हुए पेड़, ये जले हुए पेड़ में बैठी है, मतलब पहले यहाँ पे ऑलरेडी आग लग चुकी है एक बारी। तो हमारे को ऐसे हर चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ऐसी जगह आ रहे हो तो अगर आग भी जला रहे हो कैंपिंग करने के लिए, तो वो पकड़े ना किसी और एरिया में और जंगल में ना पकड़े। और ऐसा कुछ होता है फिर बुझाने की जिम्मेवारी भी हमारी है। काय का बोलती हो? मैं कह रही हूँ बड़े होके तुम कुछ बनोगे। ये कुछ मेरे बारे में बोलना चाहती है। राजीव बड़ा होके कुछ बनेगा। और कितना बड़ा होगा ना? जब बुढ़ा हो जाएगा तब कुछ बन जाएगा, है ना? पगार पे है बनने, है ना? हाय 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 हाय, इतनी तारीफें सुन के ना मेरे आंख भर आते हैं। आजा। इस लड़की में विटामिन डी की कमी है, मतलब सबको पता है। एक मिनट। तो इसको धूप सेकने की बहुत ज़रूरत है, तो जब भी इसको जहाँ धूप मिलता है ये मगरमच्छ की तरह फैल जाती है वहाँ पे। दिखा, और इस बात दिखा, सचिंद्र की क्या खतरनाक फोटो खींची है बे। ये और वो पुलकित हो गया एक, और एक रजत हो गया, इतने तगड़े फोटोग्राफर है ना ये। इन दोनों का भी पेज है फेसबुक पे, क्या पेज है? आई एम रजत मनन, फेसबुक पे पेज है। फोटोग्राफी एंड आर्ट करता है लड़का, लौंडा बोल रहा था मैं, बट कोई नहीं। और तूने पेज बनाया होगा कोई फोटो शेयर करने के लिए? ये भी जल्द लॉन्च करेगा। क्या काटा मुझे? बिच्छू बूटी काटा नहीं है इसने, पौधे को हाथ लगाया। मैंने नहीं लगाया, पौधे ने मुझे हाथ लगाया और मेरी यहाँ पे स्वेलिंग। अच्छा, पौधे ने तुम्हें हाथ लगाया? यस। ऐसे हाथ मारते हुए चल रही थी, लहरा लहरा के लहरा। और ये लीड, कोई लीड कर रहा था ना? देखा, तुम लोगों के कष्ट मैंने ले लिए। अच्छा, शिव जी बन रही हो तुम, जाहिर नहीं हो हम लोगों के लिए। अरे ठीक हो जाएगा, ये घंटे में टेंशन होती है, सब्जी बनती है। यहाँ पे आके और मोबाइल चला रही है। ओए, हेलो हेलो, क्या मतलब ऐसी सुंदर जगह पे बैठ के तुम लगी हो मोबाइल पे, मतलब ऐसी जगह पे मोबाइल चलाने का फील आ रहा हो अभी यहाँ पे?